नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जाकिर नाइक का पीस टीवी दिखाने पर होगी बड़ी कार्रवाई, केवल ऑपरेटरों के जब्त होंगे उपकरण, यूट्यूब से भी यूआरएल किए जाएंगे ब्लॉक। जाकिर नाइक ने एक और वीडियो जारी कर दी सफाई, कहा बांग्लादेश सरकार ने मुझे घटना के लिए नहीं माना दोषी, आतंकी मेरे फैन हो सकते हैं लेकिन मैं दोषी नहीं। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति जैकब जुमा से मुलाकात, साझा बयान में कहा अफ्रीका में घर जैसा अनुभव, पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। देशद्रोह मामले में हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत, लेकिन गुजरात से 6 महीने के लिए किए गए तड़ीपार, अक्टूबर 2015 से जेल में बंद थे हार्दिक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मानहानि के केस में पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत, लेकिन केंद्र से टकराव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। जाकिर नाइक मामले पर दिग्विजय सिंह का पलटवार, राजनाथ सिंह के प्रज्ञा ठाकुर से मिलने पर उठाए सवाल, कहा राजनाथ से कोई कुछ नहीं पूछता। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।